हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ PYQ, इट मींस पास्ट ईयर क्वेश्चन। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन फ्रॉम कैट 2017। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। एंड गाइज, इंफॉर्मेशन टू यू, आई एम क्रिएटिंग अ प्लेलिस्ट फॉर टॉपिक वाइज कैट क्वेश्चन। सो यू कैन फाइंड दैट प्लेलिस्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So now let's start our discussion. So this is the first question. Read it, guys, and please try to solve by yourself, and then after check the solution. So read the question. If A, B, C are three positive integers such that A and B are in ratio of 3:4, and while B and C are in ratio not 2:1, then which one of the following is a possible value of A, B, C? Very easy question. So we have the ratio of A:B, 3:4, and we have the ratio of B:C, 3:1. Both में कॉमन क्या है? B. सो इस रेशियो में वी विल ट्राई टू इक्वेट द वैल्यू ऑफ B, 2:1 ना। सो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। सो अगर इस रेशियो में लाइक इन B:C रेशियो, इफ यू मल्टीप्लाइड बाई 2, सो B:C वुड बी 2 एंड द A:B 3:4। सो द वैल्यू ऑफ हेयर बी इन टर्म्स ऑफ रेशियो बोथ आर इक्वल। सो A:B:C वुड बी 3:4:2। ये रेशियो सेम करने का एक प्रोसेस होता है ऐसे ही। अदरवाइज एक फॉर्मूला भी होता है कैसे कैसे करते हैं, वो मैं उतना याद नहीं रखता हूँ फॉर्मूला एंड ऑल पे, क्योंकि कितना फॉर्मूला याद रखेंगे। ऐसे ही क्वांट में बहुत फॉर्मूले हैं। सो अभी हमको पता करना है ए बी सी का पॉसिबल वैल्यू। सो इसको हम सम करते हैं कुछ। अगर हम रेशियो को ब्रेक करेंगे, सो वी हैव टू टेक लाइक मल्टीप्लाई विद एक्स, बट हम लोग ये नहीं करेंगे। पहले इसको ऐड करते हैं, 4:37 और 2:9। तो जो ऑप्शन है और पॉसिबल वैल्यू है, सो 9 का डिविजिबल कौन है ऑप्शन? सो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे नहीं, ये 7:29, ओके, ये 9। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन, विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, रीड इट गाइज। रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ हिज मंथली सेविंग इन फिक्स डिपॉजिट, 30% ऑफ रेस्ट ऑफ हिज सेविंग इज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स एंड द रेस्ट गोज इन टू रवि सेविंग बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट। इफ द टोटल डिपॉजिट बाई हिम इन द बैंक दैट इज सेविंग अकाउंट, मतलब सेविंग अकाउंट ये वाला एंड फिक्स डिपॉजिट ये वाला, ओके, इज 50,900 59,500, देन रवि टोटल मंथली सेविंग इज व्हाट, एंड ये पिक्चर में क्वेश्चन है। तो वी डोंट नो एक्चुअली द रवि मंथली सेविंग। सो लेट्स एज्यूम लाइक रवि का मंथली सेविंग 100x है, ओके, एंड ये 100x में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है? 50% फिक्स डिपॉजिट, सो FD 50x, एंड 30% ऑफ रेस्ट, सो रेस्ट इज हाउ मच? 50x। सो रेस्ट का 30% दैट इज 15x, एंड 15x स्टॉक्स, STOCK के स्टॉक्स, एंड द रेस्ट रेस्ट विल बी हाउ मच? 35x, 35x, एंड दिस इज बैंक अकाउंट सेविंग, सेविंग बैंक अकाउंट। नाउ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन बैंक दैट इज सेविंग अकाउंट, दैट मीन्स 35x प्लस फिक्स डिपॉजिट दैट इज 50x, 50x इज इक्वल टू 59,500, 59,500। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स 59,500 डिवाइडेड बाई 85, 59, 85। सो 80 × 7 = 560, और 5 × 7 = 35, सो 595। वेरी गुड।
सो ये हो गया 700. सो द वैल्यू ऑफ एक्स वी गॉट 700. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल मंथली इनकम, दैट इज वी अज्यूम 100x. सो एक्स इज 700. सो नो टोटल इज, टोटल सेविंग इज 70,000. 70,000 इज द करेक्ट आंसर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वेरी बेसिक क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी इजी. दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी, इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं. ये भी इजी कैटेगरी में. पढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, दिस वन. सो यहाँ भी कुछ रेशियो का गेम है एंड इट सीम्स लाइक क्वेश्चन नंबर वन टाइप. लेट्स रीड इट गाइस. सपोज C1, C2, C3, C4, C5 आर फाइव कंपनीज. द प्रॉफिट मेड बाई C1, C2, C3 आर इन रेशियो ऑफ 9:10:8. ओके, वाइल द प्रॉफिट मेड बाई C2, C4, C5 आर इन रेशियो ऑफ 18:19:20. ओके, इफ C5 हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 19 करोड़ मोर देन C1, सो डिफरेंस बिटवीन C5 एंड C1 इज 19 करोड़. आई थिंक दिस स्टेटमेंट डिफरेंस ही बोल रहा है ना. देन द टोटल प्रॉफिट मेड बाय ऑल फाइव कंपनीज. सेम वही है कि हमको रेशियो को एक टर्म में लेके आना है और वहां से हमको वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ वैल्यू निकालने के लिए एक दे दिया है. सो अब हम लोग सॉल्व करते हैं. सो C1:C2:C3 9:10:8 एंड C2:C4:C5 18:19:20. अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, C2 कॉमन है. सो वी विल ट्राई कि ये दोनों वैल्यू हम लोग इक्वेट कर पाए. सब देखो इक्वेट करने के लिए कौन सा कर सकते हैं, लिस्ट वैल्यू. इसमें अगर 5 से हम मल्टीप्लाई कर दे और इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9 10 जा 90, 18 5 जा 90 हो जाएगा. सो करते हैं 9 से 81:90:64 एंड दिस वन इज 9 5 ना. सो 90:95:100. सो वी गॉट रेशियो C1:C2:C3 C4:C5 दैट इज 81:90:64:95:100. एंड नाउ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट मेड बाय कंपनी C5 एंड C1 इज 19 करोड़. तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, ये भी 19 ही है. सो जो ये 19 है वो इक्वल टू 19 करोड़ है. सो 1 इक्वल टू 1 करोड़. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल प्रॉफिट. बस इसको सिंपली एडिशन कर दो. यहाँ पे अगर 1 नहीं होता सो हम लोग जैसे कुछ हम लोग जैसे इसको हम वेरिएबल का टर्म एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो रेशियो इंड हो जाएगा, रेशियो खत्म हो जाएगा. सो ये 19x, तो एक्स का वैल्यू कुछ आता, फिर इसको हम टोटल ऐड करके, ये वाला टोटल ऐड करके फिर एक से मल्टीप्लाई कर देते जो वैल्यू आता है. लेकिन यहाँ पे 1 1 है, 1 आया है. सो नो नीड टू डू ऑल द थिंग्स लाइक एडिशन, एक्स लो और उसका ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, वो चीजें करने की नीड नहीं है. यहाँ सीधा हम ऐड करते हैं. सो 5 4 5 4 9 और 1 5 4 9 और 9 10. ओके, सो 1 इज कैरी, 9 1 10 10 16, 16 और 9 25, 25 और 9 33. सो वी हैव 3 3 1 4 4 30 आंसर. कोई ऑप्शन नहीं है, 4 30 मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा कहीं. सो देखते हैं 90 95 100 कूल. 9 से हम मल्टीप्लाई किया, 81 90 9 8 जा 72. ये नो मिस्टेक. सो 72. अब करते हैं 0 5 2 7 8. ओके, यूनिट डिजिट 8. इट मींस ये ऑप्शन आउट.
9, 7, 16, 16 or 9, 25, 25 or 8, 33. So 3, we have 3 or 3, 1, 4, so 4, 38, that is option A. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सेम क्वेश्चन टाइप वन, सेम ये वाला क्वेश्चन, बस यहाँ पे तीन टर्म है ए बी सी और यहाँ पे 5 टर्म आ गए, बस और कोई डिफरेंस नहीं है. सिंपल बेसिक क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. सॉल्व करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, डेट इज फोर्थ नंबर क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का, जो 2017 में आया था, सॉरी नॉट 27. सो रीड करते हैं गाइज. अ स्टॉल सेल पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन पैकेट ऑफ 3 साइज, ओके, लार्ज स्मॉल एंड जम्बो. द नंबर्स ऑफ लार्ज स्मॉल एंड जम्बो पैकेट्स इन इट्स स्टॉक्स आर इन रेशियो ऑफ 17:17:16 फॉर पॉपकॉर्न, ओके, फॉर पॉपकॉर्न के लिए, एंड 16:15:14 फॉर चिप्स. कूल, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन इट्स स्टॉक इज सेम एज दैट ऑफ चिप्स पैकेट, तो द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट इन इट्स स्टॉक इज सेम एज द चिप्स पैकेट, ओके, देन द नंबर ऑफ जम्बो जम्बो पॉपकॉर्न पैकेट एंड जम्बो चिप्स पैकेट आर इन रेशियो ऑफ, ओके. सो वी हैव टू फाइंड जम्बो पॉपकॉर्न का रेशियो, जम्बो पॉपकॉर्न एंड जम्बो चिप्स का रेशियो. सो वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन. सो वी हैव पॉपकॉर्न एंड वी हैव व्हाट, चिप्स ना, चिप्स इन द साइज, 3 टाइप्स ऑफ साइज, लार्ज सुपर जम्बो, एंड द रेशियो इज 17:17:16 फॉर पॉपकॉर्न एंड फॉर चिप्स इज 6:15:14. एंड नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न, इट मीन्स दिस वन टोटल इन इट्स स्टॉक इज सेम एज द चिप्स पैकेट, सो ये इसका सम और इसका सम पैकेट का सेम है. सो अब रेशियो को हम ब्रेक करते हैं, सो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये रेशियो मेरा खत्म हो गया. सो अब लार्ज लार्ज का पॉपकॉर्न 7x, स्मॉल का 17x, जम्बो का 16x ऐड करते हैं. सो 7, 6, 13, 7, 0, 2, 1, 1, 2, 4, 40x, एंड इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो ब्रेक हो जाएगा. सो 29 और 35, 35y, एंड दिस इज इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज सेम ना. So we got 8, 7. So x equal to 7/8y, and we have to find the ratio jumbo popcorn packet. So jumbo popcorn packet is 16x, and jumbo chips that is 14y. Put the value of x here. 16:7/8y डिवाइडेड बाई 14y, y y कैंसिल, 8 2, सो ओके 7 2 14 और 14 कैंसिल आउट. सो ये 1:1 का रेशियो में आ जाएगा. सो दिस इज 1:1 रेशियो. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. सो दैट्स इट for this video guys, and if you like the video please do subscribe the channel and share with the friend. So milte hain next video mein, we will solve CAT 2018 same topic, ratio proportion variation. So guys, bye bye, take care and happy learning.